श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 बोले जोर से बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला वर विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला वर विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुद्ध प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री नारद जी व्यास देव को दिव्य ज्ञान प्रदान की और व्यास देव जी भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहित अमले अपस्यम पुरुषम पूर्णंग मायांच तत् अपाश्रय। जब उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से इन्होंने संपूर्ण भगवत लीला को जैसे हम टीवी में सीरियल रूप में दर्शन करते हैं उनके हृदय में सारे लीला उनके हृदय में उतरने लग गया और उन्हें सब कुछ उन्होंने दर्शन किया है कैसे जी भगवान से विमुख होकर के कैसे दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, माया कैसे उनको पिटाई कर रहा है, कैसे फिर वो माया से चिपक रहा है। लेकिन जगह जब तक जीव भगवान की भक्ति नहीं करे भागवत को नहीं पढ़े तब तक जीव की कल्याण नहीं, इसलिए उन्होंने श्री भागवत ग्रंथों को उन्होंने रचना की। लेकिन उन्होंने देखा ग्रंथ तो बहुत बढ़िया हमने बनाया लेकिन ये ग्रंथ को पढ़ाएंगे कौन, जिसके लिए मैंने ये ग्रंथ मैंने रचना की लेकिन वो बचपन से ही तो ब्रह्म ज्ञानी बन करके कहाँ जंगल में चला गया। कहते तो उनको जो चार चेले पहले सुन रहे थे ना, चार चेले उनको थे, तो उनका चार चेलों को बोले देखो मेरा एक कहीं तोता था वो उड़ते हुए चला गया, वो तोता को पकड़ करके ला सकते हो। बोले गुरुजी तो जंगल में तो बहुत सारे तोते रहते हैं, हमको कैसे पता चले ये आपका तोता है। बोले मेरे तोता को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं तुम चारों को चार मंत्र सिखा देता हूँ और ये मंत्र सुन करके जो अपनी आप पकड़ में आ जाए समझना ये मेरे तोता है। इसलिए उन्होंने पहला जो चेला था उसको पहला मंत्र सिखाए, बोले बराहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विव्रत वास कनक कपिशयम वैजयंती च मालम रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्ताद गीत कीर्ति। कहते ये जो श्लोक है इसमें ये श्लोक को श्री राधा की मुखारविंद से ये श्लोक निकली है जिसमें कृष्ण कितने सुंदर है जिसमें ये सुंदरता की इसमें वर्णना की गई है। इसलिए जब लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो परिनिष्ठित विनर्गिन्न उत्तम श्लोक लीलया, वो संपूर्ण ब्रह्म में परिनिष्ठित थे, ऐसे साधारण ब्रह्म ज्ञान नहीं थे, वो ब्रह्म में पूरा संपूर्ण डूबे हुए व्यक्ति थे। लेकिन कृष्ण का रूप गुण उनको लीला माधुर्य में इतना उसमें मधुरता है, कहते आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथ अभि उरुक्रमे कुर्बन अहितु किम भक्ति इतम भूत गुणहरी। भगवान हरि का जो गुण है नाम रूप गुण है उसमें इतना मधुरिमा है, कहते में जो आत्मा में जो रमण करने वाले व्यक्ति भी जब कृष्ण कथा को कृष्ण की माधुर्य को सुनते हैं बोले कुर्बन अहितु की भक्ति, सारे ब्रह्मानंद को छोड़ करके क्या करते हैं भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण प्रेमानंदे जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नहितार एक बिंदु। इसलिए कृष्ण प्रेमानंद में जो माधुर्य है कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी उसका एक बूंद को साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं, उसको बराबर नहीं कर सकते हैं।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इन्हें बिलो कत अति हर सीता, बरबस ब्रह्मा सुखाई मन त्यागा, इन्हें बिलो कत अति हर सीता। इसलिए जिस समय राम जनकपुर में पहुंचे तो अभी तक श्री जनक महाराज जो भी ब्रह्म ज्ञानी थे हैं, वो भी ब्रह्म चिंतन करते थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। लेकिन जब भगवान राम को उन्होंने दर्शन किया, कहते उनको दर्शन मात्र से ही कहते इन्हीं बिल्लो को तो अति हरसिता, इनको दर्शन करते हुए इतने डूब गए, कहते बरबस ब्रह्म मन ही सुख त्यागा। इसलिए उनको जो मैंने पहले प्रतिज्ञा की थी ना, ये धनुष को जो उठा देगा, क्योंकि सीता क्या करती थी, जो धनुष था वो इतना बड़ा धनुष था हैं, इतने बड़े धनुष था शंकर जी की, जिसको 400 व्यक्तिगत तो उठा कर ले जाते थे। लेकिन सीता क्या करती थी, उसमें दो कथा आती है। बोले एक समय सीता बचपन में गेंद खेल रही थी, गेंद खेलते खेलते वो गेंद कैसे धनुष को नीचे फंस गया, और सीता गई और एक हाथ से उठाए और गेंद निकाल दी। जनक महाराज बोले, बाबा मेरे बेटी में इतना शक्ति, जिसको 400 व्यक्ति जिसको उठा कर ले जाते, मेरे बेटी एक हाथ से उठा दी, भैया इसका पति भी तो ऐसे होनी चाहिए, और ये धनुष को साधारण व्यक्ति कहीं नहीं उठा सकते हैं, हैं? ये धनुष को लगता है मेरे जो बेटी है ना, ये लक्ष्मी है, अरे लक्ष्मी को साथ में नारायण का तो शादी होगी ना, लक्ष्मी से तो नारायण शादी कर सकते हैं, लेकिन ये धनुष को जो उठा देगा ना, वही नारायण के बगैर कोई उठा ही नहीं सकता है, वो नारायण ही उठा सकता है। कहते ये एक कथा आती है, और दूसरी कथा आती है सीताजी कहती ये धनुष को हैं, जब लिपा पोता घर की लिपा पोता लगाती थी, एक हाथ से उठा करके उसको नीचे लिपा पोता लगा करती। जनक महाराज सोचते तो मेरे बेटी में इतने शक्ति, एक हाथ से उठा करके नीचे लिपा पोता लगा देती है, इसलिए कहते नारायण के बगैर इसको कोई उठा नहीं सकते। लेकिन जब राम जनकपुर में पहुंचे, जब भगवान राम को उन्होंने दर्शन किया, अभी तक तो ब्रह्म 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 बोल रहे थे, लेकिन जब राम प्रवेश किया, जब उन्होंने राम को दर्शन किया है ना, हे दर्शन करते ही, अरे भैया अभी तक तो मैं ब्रह्म 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 कर रहा था, लेकिन इनको दर्शन करते ही ये बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, ये जो मन है वो अपनी आप ये ब्रह्म से हट गया, और यह मन है इसी में ही मन मेरी लग गया, लगता है ये कोई साधारण नहीं, लगता है ये नारायण है, हैं नारायण है। इसलिए उन्होंने वशिष्ठ विश्वामित्र जी को पूछे, बोले ये कौन सा वंशक है, बोले ये दशरथ महाराज का बेटे, ये क्षत्रिय है, बोले काम बन सकता है ये काम बन सकता है। बोले क्यों, क्या देखना किसकी बेटी अगर शादी के लायक हो जाती है ना, शादी के लायक है, वो किसी कोई सुंदर लड़का को देखे ना, सोचने लग जाती है अगर मेरे बेटी के लिए इसका अगर शादी हो जाए तो, हमारे बेटी को साथ में, ये हर समय पिताजी के मन में ये भावना खेलता कि नहीं, मेरे बेटी को शादी कैसे जाए, किसी लड़के को देखे सोचने लग जाते हैं मेरे बेटी के लायक है अगर बेटी को साथ। इसलिए जब सुना ये दशरथ महाराज का बेटा और क्षत्रिय कुल में, और ये भी क्षत्रिय कुल में, सोचे बात बन सकती है, हैं, और देखने में ये बड़े सुंदर भी देखने में है। इसलिए कहते यहाँ पर कहते हैं मैंने, कहते जो भगवान, इसलिए वो पहले तो सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन कृष्ण का नाम रूप गुण में इतना माधुर्य है, जब उन्होंने एक श्लोक को उन्होंने सुना, सुनते ही बस अपने आप जो ब्रह्म 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 कर रहे थे, वो अपने आप मन उससे छूट गई, और जो कृष्ण का जो सुंदर है, जो बरहा पीड़म, जिसके सर पर सुंदर मोर पंख है, बरहा पीड़म नटवर बपु, तीन जगह से कैसे त्रिभंग ललित रूप है, और दोनों कान में कैसे एक कनियरी पुष्प है, गले में कैसे सुंदर माला है, कैसे पीताम्बर पहन रखे, कितने सुंदर सुंदर बंसुरी है, इसलिए कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके वृंदावन कितने प्रसन्न हो जाती है, और कृष्ण का संगत में जब कृष्ण सखाओं को साथ में वृंदावन में प्रवेश करते हैं, सारे सखा क्या बोलते हैं, बोले जय कन्हैया लाल की। इसलिए जब उन्होंने ये रूप का दर्शन जब सुना है ना, उनने सब
ब्रह्म ज्ञान ध्यान को छोड़कर बाहर निकल करके आ गए। तो इनसे पूछे, भैया ये बताओ ये श्लोक तुमको मिला कहाँ से? बोले मेरे गुरुदेव ने मेरे ये श्लोक बोले। बोले क्यों? बोले मेरे गुरु जी ने कहा मेरा कि तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, वो तोते को पकड़ लेकर लाना। हमने कहा जंगल में बहुत सारे तोते रहते हैं, अब की तोता कैसे थोड़ा वर्णना करके बताओ। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, कहते ये श्लोक सुन करके अपनी आप जो पकड़ में आ जाए, समझना ये मेरा तोता। बोले भैया मैं वही तोता हूँ। कहते मैं यही तोता हूँ, मेरे को साथ में ले चलोगे? तब उन्होंने बोले बोले देखो देखने में तो बड़े सुंदर है, हैं देखने में तो वो बड़े सुंदर है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ पर है? जो दूसरा चेला था बोले जयति ते धिकाम जन्मना अब्रज श्रयत धीरा सास्वदात्रही दाई तद्रीक्षता दीक्षुता अब का कोई धृता सब त्वां विचिन्वते। बोले वो रहते हैं वृंदावन में रहते हैं, हैं? बोले वाह सुंदर, देखने में बड़े सुंदर, घर भी बड़ा सुंदर है। बोले उनका परिवार कैसे है, हैं? इसका परिवार कैसे? फिर तीसरा चेला ने बोल दिए, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले वाह परिवार भी बड़े सुंदर है। बोले चौथा जो सबसे जो महत्वपूर्ण था, यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, जैसे किसी लड़की को हम शादी दिलाना चाहते हैं, सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे? जिस लड़के को साथ में हम शादी कराएंगे वो लड़का देखने में कैसे, भले ही कोई चीज नहीं देखे सबसे पहले देखेंगे वो लड़का देखने में कैसे है, हैं? इसलिए कभी कभी कहते ना बड़े सुंदर है, हैं? बड़े पर्सनालिटी बड़ा सुंदर है, भले ही कोई चीज को नहीं देखे पहले उसकी सुंदरता को देखेंगे, हैं? उसको सुंदरता को। इसलिए यहाँ पर कृष्णा कितने सुंदर है, इसलिए कभी कभी उनको ब्रजवास कभी कभी कहते हैं, है गोपियां कहती है नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कटे जाती करोड़ों की, अच्छा हुआ तेरे को लाला नहीं बना कर लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, अगर तू लाली होता ना सारा दुनिया तेरे को पाने के लिए सब लड़ झगड़ करके मर जाते। इसलिए कृष्णा इतने हैं, इतने कहते हैं कृष्ण कैसे है? बोले मन्मथ का मन्मथ रूप है, कोटि कंदर्प कमनिया विशेष शोभम कृष्ण, उनके जैसे जगत में सुंदर जगत में कोई नहीं। पहले दूसरा लड़का देखने में सुंदर, सबसे पहले तो लड़का को देखते हैं देखने कैसे, उसके बाद में खेफेर के देखते देखने तो लड़का बच्चा है, कोई काम धाम कर रहा है कि नहीं, पैसा कमाता कि नहीं, क्योंकि बेटी को शादी देंगे ऐसे नहीं बेटी भूखी मर जाएगी, हैं? इसलिए दूसरा चीज देखते हैं। जब उन्होंने देखा कहाँ रहते हैं, बोले वृंदावन में। बोले वृंदावन कैसे? बोले जहाँ पर लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, बोले एक लक्ष्मी नहीं जहाँ पर हजार हजार लक्ष्मी जहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, लक्ष्मी की क्रीड़ा भूमि रमा क्रीडन अभूत नृप। इसलिए ये वृंदावन कहते ये लक्ष्मी की ये क्रीड़ा भूमि श्री वृंदावन धाम, जहाँ पर चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, जहाँ पर भूमि चिंतामणि वृक्ष कल्प वृक्ष है, कथा गानम वहाँ पर गमनम नृत्यम है वहाँ पर। बोले वाह बेटी जाएगी तो बड़े खुश में रहेगी, रुपया पैसा की कोई कमी नहीं है। तीसरा चीज उसका परिवार कैसे है, ऐसे नहीं सास ससुर ननद खूब झगड़ा टी लड़ा लड़ाकू हो फिर तो बेटी भाग जाएगी। बोले नहीं पिताजी का नाम नंद, नंद मतलब क्या, सबको जो आनंद देते हैं। मैया का नाम यशोदा सबको जो जस देती है। भैया का नाम दाऊ दयाल, दाऊ दयाल बड़े दयालु सी दाऊ भैया, जेठ भी बहुत अच्छे है। बोले भैया परिवार भी बहुत बढ़िया है। जो चौथा चीज सबसे महत्वपूर्ण, बेटा देखने में सुंदर, पैसा की कमी नहीं, परिवार बढ़िया, लेकिन चौथा जो चीज सबसे महत्वपूर्ण कैसे है? बोले वो जिसको साथ में शादी होगा वो नेचर कैसे है?
अगर नेचर गड़बड़ी हो ना, दिन भर पीपा आकर पड़ा रहता है, जुआ खेलता है और बार 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 पिटाई करना शुरू कर देता है। जितने सुंदर हो, पैसा हो, कोई देगा बेटी? और भैया पैसा तेरे पास मेरे जरूरत नहीं हमारे बेटी। इसलिए कहते उसका नेचर कैसे है, उसका नेचर कैसे है। बोले उनके जैसे नेचर वाले दयाल तो जगत में कोई है ही नहीं है। बोले अहो बकियम स्तन कालकूटम जिज्ञासयापि असाध्य है। तो इतने दयालु, जो पुतना जो जहर लेकर के मारने के लिए गई थी, हमारे कृष्ण इतने कृपालु, इतने दयालु, क्या किया कि उसको भी गोलोक वृंदावन में धात्रीचित गति प्रदान कर दी। गोलोक वृंदावन में इतने दयालु कृष्ण, जब इतना बोले ना, हे सुखदेव गोस्वामी बोले कम बा दयालु शरणम ब्रजे। ऐसे व्यक्ति को छोड़कर हम किसको भजन करेंगे? हे हाथ उठा लिए, हाथ उठा करके भगे वहीं से हैं। ऐसे कृष्ण को छोड़कर कहो भजन करेंगे तो किसको भजन करनी चाहिए? बोले कृष्ण सिवाय और किसको भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसलिए उन्हें वापस लाए आए और सुखदेव गोस्वामी को व्यास देव जी कहते, जो पिता है ना बेटे को मिठाई फल खिलाता है, खट्टा फल थोड़ी खिलाएगा, पिता है ना, हैं पिता तो अपना बच्चे को मीठा फल खिलाएगा। इसलिए ये फल बड़ा मीठा फल है, बड़े स्वादिष्ट फल है भागवत। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना बेटे को ही फिर उन्होंने ये पूरी भागवत कथा उन्होंने सुनाई। कहते ये जो कथा है किसकी कथा? कहते भागवत का जो वक्ता की कथा है। यहाँ पर कहते हैं जो भागवत का जो वक्ता है ना, वो साधारण व्यक्ति भागवत का वक्ता नहीं, जो परम ब्रह्म ज्ञानी। मैं प्रिया सुखश्री वृषभानुजाया दुरापजन वर्तिन, इसलिए ये कोई साधारण व्यक्ति श्री सुखदेव गोस्वामी नहीं, परम ब्रह्म ज्ञानी वक्ता। कहते भैया इसका जो श्रोता है ना, ये श्रोता भी कोई साधारण नहीं। इसलिए उन्होंने वक्ता की कथा सुना करके फिर उन्होंने श्रोता की कथाओं को सुनाते। श्रोता कैसे हैं? कहते जो श्रोता है इसलिए वृक्को धर भी क्या श्लोक है, हाँ ये श्लोक है, वृक्का धर गदा विमर्श भग्न और दंड धृतराष्ट्र पुता। कहते महाभारत, महाभारत युद्ध हो रही है, युद्ध होते होते अभी दुर्योधन का नैनान भी भैया मर चुके हैं, सबके सब मर चुके हैं। अब मरने का बाद इतने में दुर्योधन माता गांधारी के पास में जाता है। बोले भैया कल हमारी अंतिम युद्ध है, वो युद्ध में जो जीतेगा उसका ही राज्य होगा, उसका ही जीत है, इसलिए मेरे ऊपर में तुम कृपा करो, आशीर्वाद करो, इसलिए जैसे मैं जीत सकूं। इतने में गांधारी बोले देख बेटा एक काम करो, मैं शादी से ही अपना आंखों ऊपर में काला पट्टी बांध करके रखी हूँ, मेरी अंदर में संपूर्ण सतीत्व तो विद्यमान है, कल तुम जैसे जन्म लिया था ठीक वैसे आ जाना, ये नहीं सोचना अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि बेटा जितने बड़ा क्यों नहीं हो, माँ को सामने बेटा बेटा ही है, इसलिए ये नहीं सोचना अभी बड़ा हो गया, कैसे जन्म का समय में नंगे होकर जन्म हुआ था, मैं कैसे मैया को सामने आ जाऊं। बोले ठीक है माता जी। बोले मैं कल पट्टी खोल कर देख लूंगी तो तेरे शरीर वज्र बन जाएगा। बोले ठीक है, अभी तो कृष्ण चिंता में पड़ेगी, बहुत गड़बड़ी होने जा रहा है, क्योंकि जिस समय शादी के ये युद्ध से पहले कहते कुंती अपना पांच बेटे को लेकर के आई। बोले कृष्ण मैं अपना पांच बेटे को तेरे हवाले कर रहा, इसलिए तू इसको रखिया करना। कृष्ण स्वयं बोले बोले बुआ जी अगर ये विश्व ब्रह्मांड अगर प्रलय हो जाए, लेकिन ये तेरे बच्चों का एक बाल भी बंका होने वाले नहीं, इसलिए कोई चिंता मत करो, हैं कोई तुम चिंता मत करो, तुम पांच बच्चों कुछ भी नहीं होगा। और भगवान की प्रतिज्ञा है कौन तय है प्रतिजानी न मैं भक्ता परंशति, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का कोई विनाश नहीं। इतने में हाँ, इसलिए भगवान की ये प्रतिज्ञा है। कृष्ण सोच रहे अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, कृष्ण सब जानते हैं ये होने वाले। इतने में कृष्ण दुर्योधन सवेरे सवेरे नहा करके आ रहा था एकदम विवस्त्र होकर के, हे कृष्ण झट प्रकट हो गए, प्रकट होकर वो सोच रहा था सवेरे तो कोई है नहीं, हैं सवेरे सवेरे कोई है नहीं, मैं सीधा माँ के पास में चले जाऊंगा, माँ दर्शन कर ले तो वज्र बन जाएगा, लेकिन उनको क्या पता बीच में कृष्ण कहाँ से आ जाएंगे। इतने में झट कृष्ण वहां प्रकट हो गए, जो प्रकट हो गए दुर्जत एकदम हक्के बक्के चक्के हो गए, बोले ये कहाँ से आ गया कृष्ण। कृष्ण बोले
दुर्योधन क्या बात, नंगे होकर कहाँ जा रहा है? बोले ऐसे ऐसे बात, बोले तेरा शर्म लाज शर्म कुछ है तेरे? तो कब से तुमने लाज शर्म तो त्याग दे दिया है? अभी तो बच्चा है तू, मैया के पास में नंगे होकर जा रहे? अरे कम से कम एक कच्छा तो पहन कर जाया करो, अब तो तू छोटा दूध पीने वाला थोड़ी बच्चा है तो कच्छे तो पहन से कभी जा सकते हो? अगर भगवान अगर किसकी बुद्धि को भगवान अगर किसी बुद्धि को घुमाना चाहते हैं, दुनिया में ऐसे कौन है? कहते ना उसके इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हैं? उसका इच्छा के विरुद्ध तो हो ही नहीं सकता है। बोले तो बात सही कह रहे, मैं तो छोटा बच्चा नहीं। बस इतने में उन्होंने केले की पत्ते की उन्होंने कच्छा पहन बना करके पहन लिया, पहन करके पहुंच गया। इतने में उन्होंने पूछे बेटा आ गया? बोला हाँ भैया मैं आ गया। उन्होंने आंखों से पट्टी खोल करके उन्होंने देखा तो पूरा शरीर बचरा बन गया। बोले बेटा ये क्या है, ये कच्छा क्यों पहन करके आया? मैंने कहा था तू जन्म जैसे लिया था वैसे आने के लिए। बोले मैया मैं तो आ ही रहा था, पता नहीं ये बीच में कृष्ण कहाँ से आ गए, मेरे बुद्धि फिरा दिए। बोले बेटा उसके बगैर इच्छा के बगैर के पता भी नहीं हिलता है, वो जो कुछ हो रहा है ना उसकी इच्छा से हो रहा है, उसका इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है बेटा, सब उसकी इच्छा से होता है, हैं? सब उसकी इच्छा से हो रहा है। जब उन्होंने ये बात को बोले इतने में बोले बेटा तेरा सारे शरीर तो वज्र बन गया, लेकिन जितने अंगों से मैंने तुमने केले की पत्ते से कच्छा बना लिया वही अंग केवल कच्चा रह गया। बोले मैया कोई चिंता मत करो, हमारा जो लास्ट युद्ध होगा ना गदा युद्ध होगा, अब गदा युद्ध में एक नियम है कमर के नीचे प्रहार नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैया कोई चिंता मत करो। बस उनकी अंतिम युद्ध हुई, अंतिम युद्ध होते होते भीम तो भूल गया था सब कुछ। इतने में कृष्ण इशारा किया जंघे को बर मार, क्योंकि सारा शरीर तो वज्र बन गया था ना, जितने मारे कुछ भी नहीं हो कुछ। बोले ये क्या हो गया, क्या ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं हो रहे हैं। इतने में कृष्ण जब इशारा का मारो उसको जंघे के ऊपर, क्योंकि भीम थोड़ा मोटा छोटा था ना, ज्यादा मोटा होने पर ना तो बुद्धि थोड़ा कम हो जाता है, समझ रहे हो? हाँ बुद्धि थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए वो भूल गया था। जब कृष्ण इशारा किया तो उन्होंने गदा घुमा घुमा करके मारे जंघे के ऊपर में मारे, तो वहीं पर एकदम लुढ़क गया है। जब लुढ़क गया वहीं पर उसी लास्ट में श्री बलदेव प्रभु आ गए थे। बोले बहुत अच्छा हुआ लास्ट में दोनों शिष्यों को, हमारे दोनों ही शिष्य है और दोनों का गजा युद्ध होगा हाँ गुरु जी के सामने। लेकिन जब देखा बलदेव प्रभु को इतना क्रोध आया, बोले दुष्ट मैंने यही सिखा तुमको दिया, मैंने सिखा दिया था ना उनको कमर के नीचे प्रहार नहीं करनी चाहिए, और गुरु जी को सामने तुमने अन्याय किया, अब भी तेरे को जान से खत्म करता हूँ। बस कितने में कृष्ण बीच में आ गए। बोले दाऊ थोड़ा रुको, बोले मेरे को जानता हूँ तू बीच में आओगे है, गड़बड़ी तू करने वाले सारी, मेरे को पता तू गड़बड़ी करने वाले, इसलिए आज तुम कोई बहाना नहीं बना सकते, आज इसको मार करके रहूंगा। बोले अगर कुछ बता नहीं सकता तो बीच में आता है क्यों, आता है क्यों बीच में? आपको पता है ये दुष्ट ने क्या किया, अब अन्याय आपको दिख रहा है, इसने ही बचपन में भीम को 20 लड्डू खिला कर किसी ने ही मार उनको पानी में फेंक दिया था, इसी ने किया था। जुआ खेल में इसने अन्याय रूप में उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र हरण करने के लिए इसने कोशिश की। जतु गृह में इसने ही जतु गृह बना करके पांडवों को मारने के लिए इसने ही कोशिश की थी। और महाभारत युद्ध में क्या था, एक योद्धा को साथ में एक ही लड़ेगा, लेकिन इसी दुष्ट ने सप्त रथियों को मिल करके कितने बुरी तरह से आपका बहनी जो कौन थी, अपना बहनी कौन थी, सुभद्रा बेटा अभिमन्यु को, आप कितना प्यारा था अभिमन्यु को ये दुष्ट ने सप्तरथ मिल करके कितने बुरी तरह से मारा, आपको पता कि नहीं? अब उस समय अन्याय दिखा नहीं, और आप युद्ध से पहले चले गए थे, बोले युद्ध नहीं करोगा, चले गए थे ना? बोले हाँ। जब युद्ध से पहले चले गए, फिर युद्ध में आकर के आपको हस्त दखल करने का क्या जरूरत है? युद्ध से पहले चले गए तो चले जाओ, क्या जरूरत आपको बीच में आने का? उनको ऐसे ऐसे झुकती दिया ना बलदेव प्रभु, तो एकदम पूरा है हक्के बक्के चके रह गए बलदेव प्रभु। हर बलदेव प्रभु भाग गई वहां से, भाग गई। तो इतने में कृष्ण ने कहा ये दुष्टों को इसी स्थिति में छोड़ दो, ऐसे ही पड़े रहे। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं
अगर कोई कृष्ण विमुख हो जाए ना, कहा युवराज पद में था, कहा ये लक्ष्मी की बड़ा पुत्र है, 100 भाई जिनके, इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े पराक्रमी, यहाँ शिक्षा देते हैं जब भगवान से कोई विमुख हो जाए ना, इसका यही दुर्गति, इसकी यही दुर्गति उसकी है, और कोई सुगति हो ही नहीं सकती है। सब छोड़ करके चले गए, अकेला शाम हो गया, शाम होते ही गृद्धा वहां पर कुत्ते उसका मांस खाने के लिए आ रहे, मतलब कितना दुर्गति अवस्था, जिसको इतना पराक्रम, इतना बलवान, उसको इतनी दुर्गति, कोई है नहीं देखने वाले, कुत्ते सियार मांस खाने के लिए आ रहे हैं। वो गद्दा को किसी तरह से, गद्दा को घुमा घुमा करके अपना प्राण रक्षा कर रहा है। बस इतने में अश्वस्थमा और कृतवर्मा और अर्षि, उनका गुरुजी कौन थे, कृपाचार्य, इतने में आ गए। जब आ गए इनका ये अवस्था को देख करके बोले क्या ये अवस्था है, तो इतने में अश्वस्थमा बोले, बोले ये बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, बोले एक ही इच्छा है। आश्चर्य की बात है, हम 100 के 100 भाई मरा गए, लेकिन ये पांडवों का एक बाल तक भी बंका नहीं है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। अंतिम एक ही इच्छा, पांडवों के अंदर में एक भाई का अगर मृत्यु देख लेता ना, सुख से प्राण छोड़ देता। कहते जो दुष्ट लोग होते हैं ना, कितने दुष्ट होते हैं जो दुष्ट, वो दुष्टता को नहीं त्याग करते। कहा मरने जा रहे हो और भावना किया अपना भाइयों का मृत्यु देख करके मरे, अपना भाइयों का मृत्यु देख करके मरे, मरते मरते समय तुम्हारी इतने दुर्गंध तुम्हारी वासना है, बोले चिंता मत करो। इसमें उन्होंने उसको सेनापति पद में अपना जो जंघा टूट गया था, खून लेकर के उन्होंने तिलक लगा दिए, बोले जाओ तुमको मैं सेनापति पद में नियुक्त करता हूँ। अश्वस्थमा ने कहा तुमने मेरे को पहले सेनापति बनाने नहीं, कहाँ से किसको, भीष्म को बना दिया, द्रोणाचार्य जी को बना दिया, पता नहीं किस किस को तुमने बनाया, अगर मेरे को बनाते तो मैं दिखा देता सबको, हैं अभी मैं दिखाता हूं तुमको। बस एक तो ब्राह्मण, फिर दूसरा खून से तिलक, खून किया है, कहती ये तमोगुण का खून है। अब ब्राह्मण को अगर खून लगा दे क्या होगा, बुद्धि तो खराब होगा ही, हाँ ब्राह्मण है बुद्धि तो खराब हो जाएगा, इसलिए खून लगते ही ना उसका तो बुद्धि एकदम विकृत हो गया। नियम रात में युद्ध नहीं करनी चाहिए, अभी चलो, बोले चलता हूं। जब चल पड़े, इतने में सोच रहा है नियम क्या है, रात को नहीं युद्ध करनी चाहिए। पंड पांडव ने युद्ध करते 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 इनके लास्ट विजय प्राप्त हुआ, कृष्ण को पता ये अस्वस्थ आने वाले और ये सबको मार करके जाएगा। इतने में उन्होंने पंच पांडवों को बोले आज अंतिम विजय दिन, चलो हम थोड़ा घूम घाम करके आ जाते हैं, पांडवों को लेकर निकल गए, क्योंकि माता कुंती ने दिया था ना भगवान की प्रतिज्ञा, मेरे भक्तों का विनाश नहीं है, हैं, इसलिए अश्वस्थमा जा रहा था। और रात हो गया था, एक पेड़ को नीचे बैठा था, बैठ ठाकुर को इच्छा है। इतने में जो सोए हुए जो चिड़िया का बच्चा था, एक उल्लू ने आ करके क्या क्या उसको गले को काट काट कर उसको नीचे फेंक रहा था। इतने हठात अश्वस्थमा था, ये क्या, ये छोटे छोटे बच्चों का गला कटा हुआ, और ये ऊपर देखा, बोले ये उल्लू क्या कर रहा है, सोए हुए बच्चों को गला काट रहे। बस उसको तेज आ गया, बुद्धि आ गया, क्या बुद्धि आ गया, बोले अगर ये उल्लू अगर सोए हुए बच्चे को काट सकता है, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, चिड़िया का बच्चे को है, इसलिए बोले फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं भी रात में मार सकता हूं। उसको जोश आ गया, चल पड़ा। जब चल पड़ा, वहां पर कहीं पुराण में आता है, वहां पर शंकर जी स्वयं रखवाली कर रहे थे। जब शंकर जी रखवाली कर रहे थे, इतने में अश्वस्थमा उसको मागा रास्ता नहीं दिए, उठाया धनुष, अब मारे बाण, और शंकर जी थे ना, अब मुंह खोल देते, सारे बाण अंदर में चला जाता है, हैं, बोले ये क्या हो रहा है। देखा वहां पर एक बेल का पेड़ था, उखाड़ दिया, उखाड़ कर शंकर जी को सर पर दे मार, 2-4 बार मारे, मारते ही 2 पत्ता बेल पत्ता और बेल फल गिरते ही पास, भोले बाबा खुश हो गए, बोले क्या चाहते हो, बर्मा को बोले मैं अंदर में जाना चाहता हूँ, अंदर में जाना चाहता हूँ, बोले ले, उन्होंने पाशुपत अस्त्र को दे दो, ले ले इसको ले ले। बोले शंकर जी ऐसे क्यों किया, बोले शंकर जी कौन है, बोले संहार करता, शंकर जी संहार करता है। शंकर जी ध्यान लगाया, बोले ठाकुर को इच्छा किया है, भगवान की इच्छा किया है, बोले परित्राण आया साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान की इच्छा है।
पृथ्वी का भूभार को हरण करते हुए भगवान अपना धाम में चले जाना चाहती है। ठाकुर को इच्छा, शंकर जी स्वयं संहार करने वाले शंकर जी, ठाकुर को इच्छा उन्होंने जान करके अपना अस्त्र को दे दिया। और पहले जा करके तो उसने धृष्टद्युम्न जिसने उसको पिता को मारा था पूरा जान से उसको एकदम खत्म कर दिया और सबको मार डाले। फिर पंच पांडवों का जो पांच बच्चे थे, भीम से जो बच्चा भीम जैसे, अर्जुन का बच्चा अर्जुन जैसे, नकुल का बच्चा नकुल जैसे, वो सब के सब द्रौपदी के पास में सोए हुए थे। सोचा यही शायद पंच पांडव है, उनको गला काट करके उनको लेकर कहा आ करके बोले दुर्योधन तुम सारा जीवन प्रचेष्टा करते हुए भी पांडव का कि बाल तक भी तू बंका नहीं कर पाए, तुम एक का मृत्यु देखना चाह रहा था ना, मैं तो पांचों का सर को काट करके ले आया। दुर्योधन को वरदान था, दुर्योधन तब भी मरेगा हर्ष और शोक, जब ये दोनों स्थिति आए तब ये दुर्योधन मरेगा, नहीं तो मरेगा नहीं। लेकिन जब उसने सुना पांडवों का पांच पांच बच्चों का उसने सर काट करके ले आए, इतने खुश हो गया, जिंदगी भर हमने कोशिश किया मारने के लिए मार नहीं सके और पांच पांच बच्चों का सर काट करके ले आया, इतने प्रसन्न हुआ, बोले सबसे जो बड़ा सर दे दो, क्योंकि भीम अकेला सौ भाइयों को मारा, बोले सबसे बड़ा सर को दे दो। सबसे बड़ा सर था किसकी, भीम का बेटा का, बोले ले लो। दुर्योधन तो एकदम क्रोध में था, उसने उसको जो सर को पकड़ कर उसने दबाया तो एकदम पिचक गया, एकदम हैं एकदम चकनाचूर हो गया दही जैसे। बोले ये कभी भीम का सर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को पता उसका सर में कितना मैंने गदा मारा उसका सर पर, टस से मस भी नहीं हुआ और हाथ में पकड़ कर दबाते ही ये कैसे चकनाचूर कैसे हो गया। हो ना हो उनका बच्चे का तो सर नहीं। इतने में आकाश में बिजली चमकी, चमके तो देखा ये पांडवों का बच्चे। दुर्योधन इतने दुखी हो गया, बोले नालायक दुष्ट तुमने मेरे वंशों को संहार कर दिया। अरे उनका बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, हम एक पिताजी के बच्चे हैं ना, उनका बच्चा हमारे ही बच्चे हैं। अभी मरने के बाद बच्चा ही तो साधक क्रिया करता है ना, उनका बच्चे तो समर गए, अभिमन्युवादी समर गए, यही बच्चे जीवित थे जो हम उनका पिता लगते हैं। बच्चा का कर्तव्य क्या है, लास्ट में पितृपिंड तो बच्चा करता है ना, बच्चा ही देता है। बोले तुमने हमारे वंशों को पूरा निर्वंश कर दिया तुमने, बोले भाग जा मेरे सामने, तुम मुंह नहीं दिखा। इतने दुखी होकर के अर्जुन दुर्योधन ने बड़े दुखी होकर मरा। जिस समय अश्वस्तमा का पता चला अर्जुन जीवित है अर्जुन अभी जीवित, अर्जुन का पराक्रम उसको पता है, अर्जुन का कितना पराक्रम, अपना जी जान लेकर के घोड़े के ऊपर बैठा और भगा वहां से। सवेरे होते ही पांडव जो अपना शिविर में आए, द्रौपदी छाती पीट पीट करके रो रही थी, इतने पीट पीट कर दुखी, इतने दुखी होकर रो रही थी। पांडव ने बाण को देख करके पहचान किया था अश्वस्तमा का बाण है, इसलिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, बोले द्रौपदी चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने तेरे बच्चों को सर काट करके ले गया उसको सर काट करके ले आऊंगा और उसको पीढ़ी बना करके बैठ करके तुम बच्चों का तर्पण देना। बोले चलो ये दुष्ट गया कहाँ, कृष्ण सारथी जहाँ पर वो कहाँ तक जाएगा, भगवान स्वयं सारथी जहाँ पर बने कहाँ तक जाएगा, वो थोड़ी दूर देखते ही ना वो तो भागते हुए जा रहा था घोड़े में बैठ करके, इतने बीच में घोड़ा भी मर गया वो भी गिर कर मर गया, इतने जब तो घोड़ा ही शरीर छोड़ दिया कहाँ जाएगा। फिर उसने उठाया अपना ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मास्त्र को उठा करके उन्हें मंत्र पुत करके, जब देखा कोई उपाय नहीं ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया। अर्जुन देख करके बोले प्रभु ये क्या है, ये क्या है, बोले बेटा अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है, ये बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया, लेकिन केवल वो प्रयोग जानता है लेकिन उसको वापस लेना इसको पता नहीं, लेकिन तेरे को दोनों बात पता, तो ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करके दोनों को सिमटा करके वापस ले लो। उन्हें उसने वापस ले लिया, ले करके ना पकड़ा उसको, उसको पकड़ करके जैसे जानवर को बांधते हैं ऐसे रस्सी में उसको बांध करके और उसको रथ में पटक करके इतनी बुरी अवस्था में उसको लेकर घर में आए। लेकिन जो द्रौपदी है तो द्रौपदी है ना कृष्ण भक्त है, कृष्ण जिनको अपना सखी बोल करके संबोधन करते थे, सखी बोल करके कहते संत हृदय नव नीत समाना,
संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, कितने बड़ा अपराध करने पर भी हैं, जो दुष्ट होते हैं दुष्टता को नहीं छोड़ते हैं, जो संत ना अपना संतता को नहीं छोड़ते हैं, होने पर भी तो कृष्ण भक्त है ना, हैं कृष्ण भक्त शांत है निष्काम, अतएव शांत है, भुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी सकल ही अशांत, इसलिए है तो कृष्ण भक्त, तब मुच्यता मुच्यता में ऐसा बोले प्रभु इसको खोल दो बोले क्यों, बोले ये गुरु पुत्र है, हम आत्मवत जायते पुत्र, कहते पुत्र ही है, आत्मवत पिता का ही स्वरूप बेटा होता है, इसलिए आप इसको खोल दो, इसको खोल दो, जो बोले खोल दो, इतने में भीम सर बोले खोल दो, ये दुष्ट ने आतताई, ये आतताई है, सोए हुए बच्चों को मारा, इसलिए इनका कोई प्रायश्चित नहीं, इसके जान से खत्म करनी चाहिए, हे भीम गदा लेकर के टूट पड़ा मारने के लिए, कहते बड़े दिनों में कृष्ण का चार हाथ काम में आया, बोले चार हाथ कैसे काम में आया, बोले दो हाथ से तो उन्होंने भीम को बचाए रखा किया, भीम को रोका, और दोनों हाथों से द्रौपदी का पीठ पर हाथ थपथपा करके उसको सांत्वना दे रहे थे, इतने में कृष्ण ने कहा देख अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को ऑलरेडी गीता में सारे ज्ञान दे चुके थे, सारे ज्ञान दे चुके थे, इसलिए बोले अर्जुन शास्त्र में बताया जो ब्राह्मण है, कहते ना नम ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, कहते ये जो ब्राह्मण का देवता भगवान कृष्ण है, ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, हैं इसलिए भगवान ब्राह्मण का देवता है, इसलिए शास्त्र में बताया ये ब्राह्मण जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, जितना बड़ा अपराध क्यों नहीं हो, शास्त्र में बताया उसका शरीर से हत्या नहीं करनी चाहिए, उसको हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वर्णन ब्राह्मण गुरु, वर्ण में ब्राह्मण गुरु है, भगवान की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि ब्राह्मण है, इनका शारीरिक दहन नहीं है, लेकिन तुमने क्या प्रतिज्ञा किया था तो इसका सर काट करके ला दो, अभी ऐसे कुछ काम करो जैसे तुम्हारी दोनों काम रखा हो जाए, फिर उनने शास्त्र को अवलोकन किया, शास्त्र में क्या बताए, तो शास्त्र में बताए अगर किसी व्यक्ति को अगर अपमान व्यक्ति को मानी व्यक्ति को अगर अपमान कर दिया जाए तो यही इसकी मृत्यु तुल्य है, हैं वह श्लोक में श्लोक स्थान निर्जापनम जथा, इसलिए कहते मानी व्यक्ति को अपमान ही मृत्यु सदृश है, मरने से भी ज्यादा, तीर चुभ जाए तो निकल गया दर्द चली जाएगी, लेकिन अगर कोई अपमान कर देना जिंदगी भर अपमान कभी कोई भूल नहीं सकता है, इसलिए उसने क्या कि अपना तलवार का निकाले और मुड़ मुड़ा करके ना है तलवार से मुड़ मुड़ा करके उसको क्या किया, उसका चार पांच चोटी रख दिए, और जो सर में मणि था ना उसका जन्म से ही मणि, वो मणि को निकाल दिए, हाँ जिंदा जिंदा मणि को निकाल दिए, इसलिए हमारे देश में क्या करते थे लोग, जब तेल में जब स्नान करते ना जब तेल हाथ में लेते थे पहले ये तेल कैसे लेकर के ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, बोले इसको ऐसे क्यों कर रहे हो, बोले अश्वस्थमा का जो मणि निकाल करके ले गया है अभी वो घाव बन गया है, वो जिंदगी भर अभी भी अश्वस्थमा है, कहते आप लोग टीवी में देखे अब यूट्यूब में खोल कर देखे होंगे उसमें, कहते अभी भी जो लोग आर्मी लोग बाहर ऊपर रहते हैं बर्फ में, कहते अभी भी इतने बड़े बड़े चरण अभी भी पड़ा रहता है ऊपर, लगता है कोई व्यक्ति अभी भी यहाँ पर, क्योंकि उसका अमर भर उसको मिला हुआ है, हैं अमर भर उसको मिला हुआ अभी भी अश्वस्थमा है, कहते उनको दिखता है ऊपर में, कहते बड़े व्यक्ति और बड़े बड़े उसका प्यार का चिन्ह दिखती है, इसलिए उसको इतने बुरी तरह से अपमान किया, उसको धक्का मार तो उसको निकाल दिया, लेकिन जब धक्का मार कर निकाल दिया बोले दुष्ट है ना, वो अपना दुष्टता को नहीं छोड़ता है, बोले ना रहेगा बांस न बजगी बांसुरी, बोले इतना अपमान मेरे को पूरा पृथ्वी पांडव शून्य कर दूंगा, इसलिए उन्होंने पांच ब्रह्मास्त्र को उन्होंने पंच पांडव का प्रति देखा, इनकी अंतिम धरोहर श्री किसके अंदर में उत्तरा के गर्भ में श्री कौन है, श्री परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज बोले इनका पूरा वंश ध्वंस कर दूंगा, और उन्हें परीक्षित उन्हें श्री उत्तरा के प्रति और पंच पांडव का पांच पंच पांडव तो अपना अपना अस्त्र को उन्होंने संभाल लिया, इतने में कृष्ण अभी हैं हस्तिनापुर छोड़ करके द्वारका जाना चाह रहे थे, एक प्यार जमीन और एक प्यार रथ के ऊपर में कृष्ण का, इतने में जब उन्होंने उत्तरा के ऊपर प्रयोग की, उत्तरा छटपट छटपट करते हुए पाही माम प्रभु मेरे को रक्षा करो मुचित
रक्षा करो मेरे को। भागते भागते आई कृष्ण के चरण में, सीधा लेटी बोली, प्रभु मैं अगर मर जाऊं कोई चिंता नहीं, लेकिन पांडव का धरोहर रूप में मेरे गर्भ में जो उनका अंतिम संतान, अगर ये मर गया ना, पांडव लोग तो निर्वंश हो जाएंगे, कोई तो वंश में रहेगा नहीं, इसलिए प्रभु तुम तो भक्त वत्सल हो, तुम इनको रक्षा करो। जब उन्होंने प्रार्थना की, भगवान कृष्ण गर्भों को अंदर में प्रवेश किया, प्रवेश करते हुए उन्होंने गदा घुमा 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 करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र को उन्होंने निस्तेज किया, और निस्तेज करते हुए कहीं कहीं आता है वो ऑलरेडी जो परीक्षित महाराज ऑलरेडी बेहोश हो गए थे, हैं उससे मर गए थे, लेकिन उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से बच्चे को उन्होंने प्राण दान दिया, इसलिए उनका नाम एक है विष्णुरात। विष्णुरात मतलब रई दाने, मतलब जिन्होंने उनको दो बार प्राण को दान दिया है। और दूसरा नाम हुआ परीक्षित, जन्म होते ही गर्भ में जो भगवान को दर्शन किया था वो सबको परीक्षा कर रहा था, वो कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, जिनको मैंने गर्भ में मैंने दर्शन किया है, इसलिए उन्होंने रक्षा की। रक्षा करते हुए परीक्षित महाराज जन्म हुए, इसलिए यहाँ पर जो सुनाए पहले सुनाए भागवत ग्रंथ का वक्ता कौन है, और यहाँ पर सुनाए भागवत ग्रंथ का श्रोता कौन है, वक्ता और श्रोता दोनों का यहाँ कथा को यहाँ पर निरूपण किया है, इसलिए वक्ता जैसे सर्वश्रेष्ठ है परम ब्रह्म ज्ञानी और प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, कद जो श्रोता भी ऐसे है जो मातृ गर्भ में, हम तो जन्म ले करके कहीं साधन भजन करके भगवत दर्शन करते हैं, लेकिन जिसने मातृ गर्भ में ही जिन्होंने कृष्ण को दर्शन किया और दर्शन होते ही सबको परीक्षा कर रहे थे, और जिसने स्वयं कृष्ण का गोद में भी लालित पालित हुए हैं, कद इसका श्रोता जैसे वक्ता भी कम नहीं, वक्ता भी परम महाभागवत श्री परीक्षित महाराज। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च प्रत्यानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।